हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल मैथ में आप सभी का स्वागत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले मिले आपको नई अपडेट। नमस्कार साथियों, BSF RORM की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मैथ का, और मैथ का टॉपिक है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स से पहले अपन ने सारणिक पढ़ ली है। तो मैट्रिक्स सारणिक की तरह, जैसे मैट्रिक्स की परिभाषा की बात करें सबसे पहले, तो मैट्रिक्स क्या होता है? कुछ संख्याओं की पंक्तियों या स्तंभों में सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। यानी कुछ पंक्तियों में, कुछ संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों के रूप में अगर आयताकार रूप में अपन लिख दें तो वह क्या बन जाएगी? मैट्रिक्स। जैसे ABCD ये है, तो इसको आयताकार रूप में लिख लिया, ठीक है, तो आयताकार व्यवस्था हो गई, तो ये एक मैट्रिक्स बन गई। ऐसे ये एक मैट्रिक्स हो गई। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की कोटि की। तो मैट्रिक्स की कोटि यानी इसमें जो स्तंभ और पंक्तियों की जो संख्या है उसका अगर m×n निकाल लेंगे, यानी पहले पंक्ति लिखेंगे और उसके बाद में क्या लिखेंगे, स्तंभ, तो उससे अपने को उसकी कोटि का पता चल जाएगा। जैसे ये है, तो इसमें पंक्तियाँ तो कितनी हैं? दो पंक्तियाँ हैं, और स्तंभ भी कितने हैं? दो स्तंभ है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 2×2, यानी 2×2 कोटि की मैट्रिक्स है। उसके बाद में जैसे ये अपना एग्जांपल है, तो इसमें पंक्तियां तो कितनी है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पंक्तियां तीन है और स्तंभ कितना है? एक। तो इसका मैट्रिक्स का कोटि कितना हो गया? 3×1, यानी m×n लिखते हैं, पहले पंक्ति लिखते हैं बाद में स्तंभ, तो इसमें पंक्तियाँ तीन और स्तंभ कितना है? एक। तो ये मैट्रिक्स की कोटि अपन इस टाइप से बता सकते हैं। और भी एग्जांपल आप देख सकते हो मैट्रिक्स की कोटि से समझ। जैसे ए बराबर में दे रखा है अपने, कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी इसमें पंक्तियां कितनी है? दो पंक्तियां और स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3 स्तंभ है, तो इसकी कोटि कितनी होगी? 2/3 होगी। ऐसे बी मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें पंक्तियाँ कितनी हैं? पंक्तियाँ 1 और स्तंभ कितने? 1, 2, 3, तो इस ये कितने किस ऑर्डर की कोटि होगी? 1/3। तो मैट्रिक्स की कोटि से संबंधित अपने को क्वेश्चन किया जाए तो पहले आप पंक्ति लिखोगे, उसके बाद में क्या लिखोगे उसमें? स्तंभों की संख्या। उसके बाद में है मैट्रिक्स का निरूपण। तो मैट्रिक्स का जो निरूपण है उसमें ये, जैसे मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए को अपन ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट रूप में, AIJ m×n। आई का मतलब होता है पंक्ति और जे का मतलब होता है स्तंभ, तो m×n, तो m का मतलब पंक्ति और n का मतलब स्तंभ, तो यहाँ पे आई का मतलब तो पंक्तियों की संख्या हो जाएगी और जे का मतलब स्तंभों की संख्या। जैसे अगर अपने को 3/3 ऑर्डर की कोटि ऑर्डर की अपने को एक मैट्रिक्स बनानी है, तो इसका मतलब ये AIJ की जगह पहले क्या लिखेंगे? आई का मतलब लिखेंगे 1 से लेकर के 1, 2, 3, ऐसे चलता रहेगा। इसी जे के लिए 1, 2, 3, तो आई का मतलब पंक्ति और जे का मतलब क्या हो जाएगा? स्तंभ। तो जैसे पहला अव्यय आएगा तो यहाँ पे 11 लिखेंगे, दूसरे को 12, फिर 13, फिर दूसरी पंक्ति का पहला अव्यय 21 हो जाएगा, दूसरा 22 हो जाएगा, तीसरा 23 हो जाएगा, तीसरी पंक्ति का पहला अव्यय 31, 32, 33, इस प्रकार से। तो ये तो हो गई अपनी पंक्तियाँ, हो गई कितनी? हो गई 1, 2, 3। ऐसे स्तंभों की बात करें तो ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये हो गया तीसरा स्तंभ। तो इस टाइप से अपन मैट्रिक्स का निरूपण कर सकते हैं। और शॉर्ट रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो AIJ बराबर m×n लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं बना के, ये अपना एग्जांपल है कि यदि सिमेट्रिक्स A=2/2 ऑर्डर की है, यानी 2×2 क्रम की कोटि है, कोटि का एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें पंक्तियां दो है और स्तंभ भी कितने होंगे? 2। AIJ के लिए AIJ का जो मान दे रखा है अपने को, वो दे रखा है 1/2 2i-3j, ठीक है, 2i-3j, यानी 2×2 की कोटि बनानी है, तो ये 2×2 की कोटि का मतलब दो पंक्तियाँ होंगी और दो ही क्या होगा? स्तंभ। तो इसके जो अव्यय होंगे, पहली पंक्ति का अव्यय 11 A12, दूसरी का 21 और दूसरी का दूसरा भी क्या होगा? 22, यानी 2×2 की बन गई। अब यहाँ पे ये आई होता है, ये जे होता है, ये आई का मान, ये जे का मान, ये आई का मान, ये जे का मान, ये आई का मान होता है और ये जे का मान। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 11 का मान निकालना चाहेंगे तो आई की जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और जे की जगह भी क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, जो अपने को मान दे रखा है AIJ का उसमें। तो 1/2 का 1/2 2×i था, तो आई की जगह 1 है और जे की जगह भी कितना है? 1, तो 2×1-3×1 हो गया। फिर अगला A12 निकालेंगे तो आई की जगह 1 लिखेंगे, जे की जगह 2 लिखेंगे, तो लिख लिया 1/2 2×1-3×2 कितना हो जाएगा? 2। ऐसे ही 21 निकालेंगे तो आई की जगह 2 लिखेंगे, जे की जगह क्या लिखना है अपने को? 1 लिखना है, तो यह आ जाएगा 1/2 2×2-3×1, ऐसे ही 22 निकल जाएगा। तो अब इनको अगर सरल कर लेंगे तो 1/2 2 - कितना आ जाएगा? 3। ऐसे ही 2/2 2 - 6, तो अपनी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? ये मैट्रिक्स बन जाएगी 1-1/2 -2 1/2 - 1, यानी अगर अपने को AIJ का मान पूछ रखा है
किसी भी ऑर्डर की अगर वो मैट्रिक्स बनाना चाहता है तो अपन आराम से बना सकते हैं यदि अपने को ये ध्यान है। यानी 2x2 की बनानी है तो 11 a 12 a 21 a 22 ऐसे अगर 3x3 की बनानी है, 3x4 की बनानी है तो अपन मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर ये अपने को पहले से मैट्रिक्स निरूपण का पता है कि मैट्रिक्स का निरूपण किस टाइप से करते हैं, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है इस टाइप से भी। अगला है मैट्रिक्स की समता, यानी दो मैट्रिक्स समान कब होती हैं। तो दो मैट्रिक्स ए बराबर में ए आई जे और दूसरी मैट्रिक है बी आई जे समान मैट्रिक्स कहलाती हैं यदि ए की कोटि और बी की कोटि दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए समान और दोनों के संगतव्य क्या होने चाहिए समान। तो ये अपने को पूछ ली जाती है कंडीशन भी सीधी कि दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होते हैं कब होती हैं यदि ए की कोटि और बी की कोटि यानी दोनों मैट्रिक्स की कोटि बराबर हैं और दोनों के संगतव्य क्या हैं बराबर हैं, तो तब दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी समान मैट्रिक्स कहलाएंगे। परिभाषा सीधी भी पूछी जा सकती है कि दो मैट्रिक्स समान होती हैं तो ऑप्शन दे देगा उसमें तो अपने को पता होगा तब अपने करेक्ट उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कोटि समान होना चाहिए दोनों की और दोनों के संगतव्य समान होना चाहिए। तो कोटि जैसा ये मैट्रिक्स है इसकी कोटि कितनी है 2x2 की है, ऐसे बी की भी 2x2 की है यानी दो पंक्ति है इसमें दो स्तंभ, इसमें भी दो पंक्ति और दो स्तंभ, तो पहली कंडीशन ये पूरी कर रही है संगतव्य समान होना चाहिए। तो ए का स्क्वायर है यहाँ पर एक है तो इसका मतलब पहला कि दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है, दूसरा दो का स्क्वायर है और इधर कितना है 4 तो यानी संगतव्य भी यहाँ पर क्या हो रहे हैं बराबर, 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पर बराबर 4 का स्क्वायर 16। तो इस टाइप से जो मैट्रिक्स ए है वो क्या हो गई यहाँ पे समान, एक ए और बी दोनों समान मैट्रिक्स हो गई यानी इसके अवयव भी बराबर हैं संगत और दोनों की कोटि भी क्या है यहाँ पे बराबर है। दूसरा अपने को क्वेश्चन दे रखा है यदि ए तथा बी समान मैट्रिक्स हैं, यानी इस टाइप से अपने को दे देगा और उसमें क्वेश्चन कर लेगा यानी ए और बी अगर समान मैट्रिक्स है तो उनके संगतव्य क्या होंगे बराबर होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से अपने को वैल्यू पूछ ले कि एक्स का मान कितना होगा, तो एक्स का मान 2 होगा, वाई का मान 1 होगा और जेड का मान कितना होगा 4 होगा। ऐसे ही ए का मान 0, बी का मान 5 हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा 6। तो इस टाइप से अगर अपने को दो मैट्रिक्स समान बता रखी है तो इसका मतलब उनके कोटि बराबर होंगी और उनके संगतव्य भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो अब उनका मान निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगला है मैट्रिक्स के प्रकार, तो कुछ प्रकार भी हैं मैट्रिक्स के। तो सबसे पहला है पंक्ति मैट्रिक्स, यानी पंक्ति मैट्रिक्स अपन किसको बोलेंगे। तो पंक्ति मैट्रिक्स का मतलब होता है यदि किसी भी मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या कितनी हो, 1 हो, यानी m बराबर 1 होता है, स्तंभ कितने हो सकते हैं यदि m 1 हो गया तो इसका मतलब वो क्या होगी पंक्ति मैट्रिक्स होगी। जैसे यहाँ पे ए बी सी ये अपने को दे रखी है, इसमें पंक्ति 1 है लेकिन स्तंभ कितने हैं 3 हैं, तो अगर इसकी कोटि की बात करें तो कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। स्तंभ मैट्रिक्स है तो इसका मतलब स्तंभों की संख्या 1 होगी, उसमें पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती है। जैसे इसमें बात करें अपनी एग्जाम्पल है तो इसमें स्तंभ तो 1 है लेकिन पंक्तियाँ कितनी हैं 3 पंक्तियाँ हैं, तो इसकी कोटि की बात करेंगे तो 3/1। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है जिसमें एम बराबर एन होता है, एम का मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो जाएगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे वर्ग मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल अपने पास में है, ये है एग्जाम्पल ए बी सी डी ये मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें पंक्तियाँ भी कितनी है 2 है और स्तंभ भी कितने हैं 2, तो इसकी कोटि कितनी होगी 2/2 यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है तो एक वर्ग मैट्रिक्स होती है। ठीक है, आगे देखते हैं मैट्रिक्स की ट्रेस। तो मैट्रिक्स की ट्रेस का मतलब क्या होता है कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं उन सभी को अपने को क्या होता है जोड़ना होता है, तो वो सारे उसके क्या कहलाती है मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाती है। जैसे ये मैट्रिक्स दे रखी है तो ये मुख्य विकर्ण हो गए इसमें, ठीक है, तो इन सभी को अगर अपन प्लस कर देंगे तो वो उस मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी ट्रेस कहलाएगी। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कोई मैट्रिक्स दे देगा उसमें अपने को पूछ लेगा था कि बताइए कि मैट्रिक्स का ट्रेस है, तो मैट्रिक्स की ट्रेस का मतलब ही क्या होता है कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं उन सभी को आप प्लस कर दो तो उससे उसकी मैट्रिक्स की क्या निकल जाएगी ट्रेस निकल जाएगी। नहीं इसमें ये मैट्रिक्स ए दे रखी है जिसका ट्रेस ए निकालना हो तो मुख्य विकर्ण कितने हैं 9, 5 और 1, इन सभी को जोड़ दो 9, 5, 14 कितना हो जाएगा 9, 5, 14 1 15 हो जाएगा। तो यहाँ से इस टाइप से अपन मैट्रिक्स की क्या निकाल सकते हैं ट्रेस निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगला है अपना विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या हो शून्य हो, यानी मुख्य विकर्ण ही होगा उसके अलावा जितने भी अवयव होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे 0, तो उसको अपन क्या बोलेंगे विकर्ण मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के प्रकार अपन क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने को एग्जाम्पल दे देगा सीधा सागर क्वेश्चन आएगा मैट्रिक्स का, सबसे इजी क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से आएगा। ठीक है, अगर अपने को पता है परिभाषाओं का तब भी अपन कर पाएंगे, नहीं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो सीधा दे देगा
पूछेगा कि निम्न में से विकर्ण मैट्रिक्स का उदाहरण है, तो विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव क्या हो, जीरो हो, तो उसको अपन बोलेंगे विकर्ण मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे मुख्य विकर्ण कितना है, 1, 2, 3 है, बाकी सारे के सारे अवयव क्या है, जीरो, तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, विकर्ण मैट्रिक्स। इसको अपन शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगनल 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 है विकर्ण इसके, तो इस टाइप से हो गया अपना ये विकर्ण मैट्रिक्स। अगला प्रकार देखते हैं, उसके बाद में है नोट लगा के अपन ने देखा कि विकर्ण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स होता है, कब होता है, यदि विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। तो अदिश मैट्रिक्स की अगर परिभाषा पूछी जाए तो विकर्ण मैट्रिक्स को अदिश मैट्रिक्स बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब विकर्ण के सारे अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे विकर्ण यहाँ पे 2, 2, 2 है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, अदिश मैट्रिक्स हो गया। दूसरा एग्जांपल 4, 4 है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, अदिश मैट्रिक्स। तो अदिश मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, यदि किसी विकर्ण मैट्रिक्स के सभी अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उसे अपन अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद में इस पे अपन मैट्रिक्स के योग और घटाव की बात करते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए दे रखी है और ये मैट्रिक्स दे रखी है बी, तो मैट्रिक्स ए दे रखी है अपने को ये 3 -1 -2 -2 0, मैट्रिक्स बी दे रखी है 0 -1 0 1 -2 2 1 0। अब ए प्लस बी करना है तो योग तो इनका सीधा से हो जाएगा, जैसे 3 + 0 3 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 + 1 करेंगे 1 हो जाएगा, 1 + 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये अपना इनका ये तो हो गया इनका ऐड। उसके बाद में अगर माइनस करना है, यानी ए में से क्या माइनस कर रहे हैं, बी माइनस कर रहे हैं, तो 3 - 0 करेंगे 3 आ जाएगा, फिर -1 में से ये 1 माइनस करना है तो -1 - 1 कितना हो जाएगा, -2, 2 माइनस ये माइनस करना है तो पहले से ही माइनस है तो माइनस का साइन लगता है, ये किसका हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। ऐसे ही -2 में से ये -2 करेंगे तो -4 हो जाएंगे, 0 - 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 1 - 0 करेंगे तो आ जाएगा 1। तो इस टाइप से अपन किसी भी मैट्रिक्स का योग और घटाव कर सकते हैं। उसके बाद में है मैट्रिक्स के गुणधर्म। मैट्रिक्स के गुणधर्म भी अपने को ध्यान में रखने हैं। सीधा आ जाता है कि निम्न में से मैट्रिक्स किस नियम का पालन नहीं करता है, योग नियम, योग जो है किस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो मैट्रिक्स क्रम यूनियम में गुणधर्म का पालन करते हैं। यानी अगर दो मैट्रिक्सों को ए प्लस बी जोड़ो चाहे बी प्लस ए जोड़ो, दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। तो सबसे पहला गुणधर्म कि मैट्रिक्स योग जो होता है वो क्रम यूनियम में गुणधर्म का पालन करता है। दूसरा नियम साहचर्य गुणधर्म का भी पालन करते हैं, यानी ए प्लस बी, यानी ए और बी को जोड़ने के बाद फिर उसको सी के साथ जोड़ें, यानी सी मैट्रिक्स के साथ जोड़ेंगे, तब उसमें वो बराबर आएगा। ए का जो मान है वो बी प्लस सी के साथ जोड़ लेंगे, यानी बी प्लस सी को जोड़ के फिर उसको ए में जोड़ेंगे, तब भी वो क्या आएंगे, दोनों के दोनों बराबर आएंगे। तो इसका मतलब मैट्रिक्स क्रम यूनियम में गुणधर्म का पालन करती है, पहला नियम। दूसरा नियम साहचर्य गुणधर्म का भी पालन करती है। उसके बाद में तीसरा है कि मैट्रिक्स का योज्य तत्समक क्या होता है। योज्य का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स जैसे ए मैट्रिक्स है तो बार अपने को ए मैट्रिक्स लानी है, तो उसमें क्या जोड़ेंगे अपन, शून्य मैट्रिक्स जोड़ेंगे। शून्य मैट्रिक्स मतलब जिसमें सभी अवयव क्या होते हैं, जीरो। तो मैट्रिक्स योग के लिए योज्य तत्समक कौन सा मैट्रिक्स होता है, शून्य मैट्रिक्स होता है। उसके बाद में वो योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम अपने को निकालना, जैसे योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जीरो निकालना होता है, यानी शून्य मैट्रिक्स लानी होती है। तो मैट्रिक्स ए है तो उसमें क्या जोड़ेंगे अपन, उसका माइनस करके जोड़ देंगे, यानी -a जोड़ देंगे, तो उससे वो क्या ला जाएगा, उसका योज्य प्रतिलोम निकल जाएगा। तो मैट्रिक्स के गुणधर्म क्रम यूनियम में गुणधर्म भी होता है, साहचर्य योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम गुणधर्म का मैट्रिक्स योग पालन करती है। उसके बाद में है मैट्रिक्स का गुणन कैसे करें, इम्पोर्टेंट है। दो मैट्रिक्स का गुणन कैसे करते हैं, तो दो मैट्रिक्स ए व बी का गुणन तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो। ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि दो मैट्रिक्स ए और बी का गुणा तभी कर सकते हैं जब ए में जो स्तंभ है वो बी में पंक्तियों की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर। यानी ए के तो स्तंभ देखने और बी की क्या देखनी है, पंक्तियां। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे स्तंभ कितने हैं, 3 स्तंभ है, पहला, दूसरा और तीसरा। इधर पंक्तियाँ देखें तो 1, 2, 3, तो पहले जो मैट्रिक्स है उसमें स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो उन दोनों मैट्रिक्सों को अपन क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी दे रखी है, तो यहाँ पे स्तंभों की जो संख्या इधर बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इनका अगर गुणा करना है अपने को, तो गुणा करेंगे तो कैसे होगा, जैसे 1 है तो 1 का गुणा किससे होगा, 4 से होगा, फिर 2 का गुणा किससे होगा, 2 से होगा, फिर 3 का गुणा किससे होगा, 1 से, जैसे यहाँ पे लिख भी लिया, फिर आगे 1 का गुणा 2 से, फिर 2 का गुणा 1 से, फिर 3 का गुणा किससे होगा, 3 से, ये भी लिख लिया। उसके बाद में फिर 2 का गुणा इधर 4 से हो जाएगा, दोबारा आगे वाले में यहाँ पे लिखेंगे तो 2 का गुणा 4 से,
तीन का गुणा फिर दो से और एक का गुणा एक से, ये लिख लिया। ऐसे ही फिर दो का गुणा दो से, तीन का गुणा एक से, फिर एक का गुणा किसी हो जाएगा तीन से, ये भी अपन यहाँ पे लिख लिया। तो अपने मैट्रिक्स क्या प्राप्त हो जाएगी, तो यहाँ से ये मैट्रिक्स बन जाएगी अपनी। तो इनको अगर जोड़ लेंगे तो यह आ जाएगा, ये तो 11 बन जाएगा, ये 13 बनेगा, ये 15 और ये कितना आ जाएगा 10। तो ए बी इक्वल कितना आ जाएगा 11 13 15 10। ये मैट्रिक्स इस टाइप से अपन दो मैट्रिक्सों का गुणा कर सकते हैं यदि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो। उसके बाद में मैट्रिक्स गुणन के भी कुछ गुणधर्म हैं, यानी मैट्रिक्स अक्रमणीय में होता है, यानी दो मैट्रिक्स ए और बी का गुणा करें तो बी ए मैट्रिक्स के गुणा के बराबर नहीं आएगा, यानी ए बी बराबर नहीं होता बी ए। सात्सरीय गुणधर्म का भी पालन करते हैं और तत्समक का भी पालन करते हैं। तो इनके लिए तत्समक मैट्रिक्स क्या होती है, यानी कई जो मैट्रिक्स होती है वो तत्समक मैट्रिक्स का पालन करती है, वो एक मैट्रिक्स गुणन के लिए तत्समक होती है इकाई मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है कि यानी अक्रमणीय में होता है, शास्त्रीय गुणधर्म का भी पालन करता है और मैट्रिक्स गुणन के लिए इकाई मैट्रिक्स जो होती है वो तत्समक मैट्रिक्स का काम करती है। उसके बाद में है परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए। यदि मैट्रिक्स ए दे रखी है अपने को 3 1 5 2 5 4 6 दे रखी है, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी इसका ए का ट्रांसपोज निकालना है, यानी परिवर्त निकालना है। तो इसको लिखने का तरीका होगा कि ए टी, यानी ए का क्या कर रहे हैं अपन, परिवर्त कर रहे हैं, तो ट्रांसपोज हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पर पंक्ति क्या ये है 3 1 2 है, तो इसको उल्टा करना है, ठीक है। तो पंक्ति को किस में बदल देंगे, स्तंभ में, और स्तंभ को किस में बदलना है, पंक्ति में। तो ये पंक्ति थी अपनी, ठीक है, 3 1 और 2। अब इसको क्या बना देंगे, स्तंभ बना देंगे, तो ये बन जाएगा 3 1 2। ऐसे ही 5 4 6 जो था उसको क्या लिख देंगे, 5 4 6। तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। परिवर्त मैट्रिक्स के भी कुछ गुणधर्म हैं, जैसे यदि ए टी लिया अपन ने, तो उसका दोबारा अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो बराबर में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद में ए प्लस बी, यानी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं ए और बी, उन दोनों का जोड़ करेंगे फिर ट्रांसपोज निकालेंगे, तो दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के भी क्या आएगा, बराबर आएगा। ऐसे ही माइनस के लिए ए माइनस बी का टी निकाल रहे हैं तो ए टी माइनस बी टी के बराबर आ जाएगा। ए एन टी है, यानी यहाँ पर पावर एन की जगह ए स्क्वेयर, ए थ्री, ए फोर कितना ही हो, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए टी, और पूरे की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, फिर एन भी लगा सकते हैं। एन का मतलब प्राकृत संख्या हो सकती है, कुछ भी 1 2 3 4 कोई भी घात हो सकती है एक ही, ठीक है। तो ये परिवर्त मैट्रिक्स के हो गए गुणधर्म। परिवर्त मैट्रिक्स से अपने को दो परिभाषाएं देखनी है मैट्रिक्स की, एक तो सममित मैट्रिक्स और एक विषम सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स कब होता है, जब अपन किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, यानी ए टी बराबर में ए होता है तो सममित मैट्रिक्स होता है, और ए टी बराबर में माइनस ए होता है तब होता है विषम सममित मैट्रिक्स। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, क्या दे रखा है, 4 2 2 1 है, इसका अगर ए टी निकालें अपन, ए टी निकालेंगे मतलब ये पंक्ति थी 4 2 की, इसको स्तंभ बना देंगे यानी 4 2 लिख देंगे, इस ये 2 1 था तो इसको भी क्या लिख लेंगे, 2 1। तो यानी ए किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे ए टी के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, सममित मैट्रिक्स। उसके बाद में विषम में क्या होता है, ए टी बराबर माइनस ए होता है, जैसे ये पंक्ति थी 0 1 और उसके बाद में दूसरी माइनस एक और 0 थी, तो ये इसका अगर ए टी निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 0 1 जो पंक्ति उसको स्तंभ के रूप में लिख लेंगे 0 1, ये माइनस एक 0 थी उसको माइनस एक 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे ए टी बराबर क्या आ गया, माइनस ए आ गया, यानी यहाँ पे 0 1 था लेकिन यहाँ पे 0 माइनस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। संख्याएं तो सेम है लेकिन इनके जो चिन्ह जो हैं वो बदल रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज ए टी का करेंगे अगर माइनस ए के बराबर आ जाएगा तो वो हो जाएगा विषम सममित मैट्रिक्स। तो ये परिभाषाएं भी ध्यान में रखनी हैं। इनके भी कुछ गुणधर्म हैं, जैसे ए प्लस ए टी, ए टी, ए टी ए, ये सारी सममित मैट्रिक्स होती हैं, यानी सममित मैट्रिक्स में मैट्रिक्स जोड़ देंगे या उसका गुणा कर देंगे या उससे कैसे भी, जैसे ए टी का ए से गुणा कर देंगे तो भी वो क्या आएगी, सममित मैट्रिक्स। विषम कब हो जाएगी, जब अपन मैट्रिक्स ए में से उसका ट्रांसपोज माइनस कर देंगे तब वो क्या होगी, विषम सममित मैट्रिक्स होगी। उसके बाद में किसी मैट्रिक्स ए को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के अद्वितीय योग के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे सममित मैट्रिक्स का मतलब 1/2 ए प्लस ए टी होता है, और ये विषम का मतलब क्या होता है, 1/2 ए माइनस में ए टी, तो इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बराबर में ए आ जाएगा। तो ए बराबर किसी भी मैट्रिक्स को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ये भी सीधा पूछ लिया जाता है कि ए बराबर होता है, तो ए बराबर कितना होगा, यहाँ से 1/2 ए प्लस में ए टी प्लस 1/2 ए माइनस में ए टी, तो ये तो सममित मैट्रिक्स होता है और ये क्या होता है, विषम सममित मैट्रिक्स। उसके बाद में यदि ए बराबर में एग्जांपल दें अपना सममित और विषम सममित पे, ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, ठीक है, तथा ए बराबर पी प्लस क्यू दे रखा है, तो पी ए का अपने को मान ज्ञात करना है,
तो पी बराबर सममित का होगा और क्यू का मतलब विषम सममित है, तो पी और क्यू का मान ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसको योग के रूप में लिख रखा है यानी सममित और विषम सममित के, तो उस टाइम ए सममित मैट्रिक्स तो हो जाएगा, यानी पी का मतलब सममित दे रखा है और सममित का मतलब होता है 1/2 ए प्लस में टी। अभी अपन ने इसका गुणधर्म देखा था, ऐसे विषम लिखने हैं तो उसका मतलब हो जाएगा 1/2 ए माइनस में ए टी। ठीक है, तो 1/2 का 1/2 ए का मतलब सेम मैट्रिक्स आएगी, उसके बाद में ए टी यानी ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो पंक्ति थी इसको किस में लिख लेंगे, स्तंभ रूप में लिख लेंगे, तो 2-1 आ जाएगा, ये 3-5 थी तो इसको 3-5 लिख लेंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ना है तो जोड़ने का मतलब सीधा ही जोड़ हो जाएगा, 2+2 4 हो जाएगा, -1+3 2 बचेगा, 3-1 2 हो जाएगा, 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, ऐसे ही आगे वाली ये जो मैट्रिक्स है A-AT निकालना है तो A तो सीधी वो मैट्रिक्स होगी सेम, इसका ट्रांसपोज निकलेंगे तो 2-1 आ जाएगा, फिर 3 और 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2-2 0, -1-3-4 हो जाएगा, 3-± हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 4 और 5-5 कितना हो जाएगा 0। तो ये अपनी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी यहाँ से, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी जैसे 1/2 बाहर है तो इस 2 से पूरे को क्या कर लेंगे, पूरी मैट्रिक्स में भाग दे लेंगे, तो 4 में 2 का भाग देंगे 2, फिर 2 का 2 में देंगे 1 आ जाएगा, फिर 2 में 2 का 1, फिर 10 में 5 2 का देंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो ये मैट्रिक्स अपनी पी निकल जाएगी, ऐसे मैट्रिक्स की आ जाएगी क्यू। तो इस टाइप से अपन सममित और विषम सममित मैट्रिक्स निकाल सकते हैं जब अपने को ए बराबर में पी प्लस क्यू दे रखा है। तो सममित का मतलब होता है 1/2 ए प्लस में ए टी और विषम का मतलब होता है 1/2 ए माइनस में ए टी। उसके बाद में दो प्रकार और है मैट्रिक्स के, एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होता है और एक होता है अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। ठीक है, तो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का तो मतलब क्या होता है, यदि किसी मैट्रिक्स की सारणी का मान निकालें वो 0 के बराबर नहीं है तो वो तो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय, और यदि किसी मैट्रिक्स ए के सारणी का मान निकालें और 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। तो अपने को कोई भी एग्जांपल दे देगा एग्जाम में पूछने के लिए कि बताइए कि निम्न में इसमें व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो आपको उस टाइम क्या निकालना, उसके मैट्रिक्स की सारणी का मान निकालना, यानी मैट्रिक्स को सारणी के रूप में लिख लेंगे और उससे उसका मान निकाल लेंगे। जैसे मैट्रिक्स दे रखी है अपने को 3-1-6-2 है, तो इसको सारणी के रूप में लिखेंगे तो ये रहेगा 3-1-6-2। मैट्रिक्स की सारणी का मान निकालना अपन जान चुके हैं, पहले सारणी पढ़ चुके हैं, तो 3 का 2 से गुणा कर लेंगे तो 6 और 6-6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6-6 कितना हो गया 0। तो 0 आते इसका मतलब अगर 0 के बराबर आ जाता है किसी का मान सारणी का तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। दूसरा एग्जाम्पल 6-2-1-1 है, तो 6 का 1 से गुणा करेंगे, 6-1 का 2 से करेंगे 2, तो 6-2 बराबर कितना आ गया 4, यानी 0 के बराबर नहीं है कुछ ना कुछ मान, और इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट है ये, इसके बाद में जल्द ही मैट्रिक्स का सेकेंड पार्ट भी आएगा। अगर आपको ये क्लास BSF ROR M के लिए अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, शेयर करना नहीं बोलें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। चैनल को अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेहतरीन वीडियो हम BSF ROR M के लिए डालें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।